हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाल मटर की सब्जी की रेसिपी यहाँ पर देखने वाले हैं। एक बहुत ही हेल्दी ऐसी एक रेसिपी है। ये बनाने में जितनी आसान है उसके फायदे भी उतने ही ढेर सारे हैं। इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, आयरन होता है। उसी प्रकार से अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद ऐसी सब्जी होती है। आप इसको एक बार ज़रूर बना कर देखिए, और कैसे बनाना है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने दो जोड़ी यहाँ पर माट लिया है, उसको मैंने अच्छे से साफ करने के बाद उसका जो यानी जब जहाँ तक हमें एकदम नरम नरम ऐसा डंठल लगता है ना, वहाँ तक मैंने उसको काट लिया है। आप लोग पत्ती भी ले सकते हैं, पर अगर वो डंठल अगर लेंगे ना हम, तो उसमें ज़्यादा वहाँ पर कैल्शियम होता है इसके लिए, और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, तो मैं वो डंठल भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर दो जोड़ी मैंने माट लिया है, उसको धोने के अच्छे से धो लिया है। यहाँ पर 5-6 लहसुन की कलियाँ ली है, उनको बारीक काट लिया है। यहाँ पर एक बड़ा प्याज लिया है, उसको भी बारीक कट कर लिया है। एक बड़ा टमाटर लिया है, राई जीरा। यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 स्पून। यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर 1 स्पून लिया है, धनिया जीरा पाउडर और गरम मसाला। धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच लिया है, गरम मसाला 1/2 स्पून लिया है, ऑयल लिया है। और यहाँ पर जो एलजी का मैंने हींग लिया है, यहाँ पर हींग थोड़ा हम ज़्यादा प्रमाण में, अगर मैंने यहाँ पर 1/2 स्पून डाला है हींग, तो हींग का प्रमाण यहाँ पर हमें सब्जी में थोड़ा ज़्यादा डालना है, तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। यार यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हरी सब्जी होती है उसको पहले से ही काट लेते हैं, बाद में धोते, पर हरी सब्जी को कभी भी हमें पहले अच्छे से साफ करने के बाद ही धोना, उसको काटना है। तो यहाँ पर मैंने धोने के बाद अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, ऑयल डाला है, और ऑयल भी आप अपने हिसाब से इसमें हमें डालना है, कम ज़्यादा। हरी सब्जी को ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, अपने हिसाब से हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद, ऑयल गर्म होने के बाद, उसी में अभी राई और जीरा अच्छे से तड़कने देंगे। राई जीरा अच्छे से तड़कने के बाद उसमें अभी जो लहसुन हमने बारीक काट कर लिया था उसको डालना है, हींग पाउडर डालना है। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। लहसुन को भी अच्छे से ब्राउन कलर आने तक उसमें तल लेना है। प्याज को भी थोड़ा नरम होने तक इसको पकने देना है। इसका कलर अभी थोड़ा चेंज हो चुका है। टमाटर डालना है अभी। यहाँ पर अभी टमाटर भी अच्छे से भून लेना है, टमाटरों को भी। हरी सब्जी ना, अभी ठंडी के दिन आ गए तो ढेर सारे बाजार में हरी सब्जियाँ आने लग गई हैं, तो हरी एक माट तो हमेशा मिलता ही है, पर माट की सब्जी अगर हम ज़्यादा प्रमाण में खाएंगे ना, हफ्ते में एक बार तो माट की सब्जी ज़रूर बनाना है। मेरे घर में हफ्ते में एक बार बनती ही बनती है, और इसको मैं रोटी के साथ खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो मैं ज्वारी की जो रोटी होती है ना, उसके साथ इस सब्जी को मैं खाती हूँ, तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है ज्वारी की रोटी के साथ। रोटी के साथ भी हम खा सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 स्पून, गरम मसाला और धनिया जीरा पाउडर, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। किसी को अगर ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो वो बना सकते हैं, पर हरी सब्जी को ज़्यादा स्पाइसी बनाना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं कम ही डालती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी 1 मिनट के बाद इसमें अभी ये जो हमने बारीक कट कर लिया था लाल मटर को, उसको डालना है। हमने जो उसका डंठल लिया था ना, डंठल को भी एकदम बारीक बारीक कट कर लेना है, तो समझ में नहीं आता है कि हमने उसमें डंठल भी डाला है। अगर ज़्यादा मोटा मोटा कटेंगे तो वो समझ में आ जाता है और खाते वक्त लगता है, पर बारीक कट करेंगे तो वो डंठल समझ में नहीं आता है कि हमने सब्जी में डंठल भी डाला है। यहाँ पर स्वादानुसार नमक डालना है। हरी सब्जी में कभी भी नमक थोड़ा कम ही डालना होता है। कोई भी हरी सब्जी हम बनाते हैं तो नमक थोड़ा उसमें कम ही डलता है।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कितना कलरफुल सब्जी लग रहा है और सच्ची में खाने में बहुत ही टेस्टी ऐसी सब्जी बनती है। अभी जब हमने कढ़ाई में डाला था तो पूरा कढ़ाई हमारा सब्जी से भर गया था, पर कोई भी हरी सब्जी थोड़ा सा 2 मिनट के बाद पानी छोड़ देता है और नरम पड़ जाता है, इसके लिए वो कम हो गया है। अभी 2-3 मिनट के लिए यहाँ पर उसको ढककर रख देना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी लाल माट की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।